आजादी। एक मोटी झाड़ियों के बीच में एक घना मुंह और चेहरे पे बहुत सारी काली काली रेखाएं, होंठ लापता हो गए हैं। नाउमीद जमीन पे दोनों हाथ जैसे पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा है। मुंह से लगातार लार निकल के समझा रही है कि बूढ़े की उम्र कितनी है। यहां पर शायद एक छटा जमीन उसका था, छोटा सा एक बैंगन का खेत और साथ में एक लंबा चौड़ा बेटा, सिर्फ उसका खुद का था। बेटा लाता था चावल दाल, कितने खुश नसीब होके खाते सब। कितने दिन नहीं मिलता चावल दाल, अब शायद उसी वजह से बूढ़े का लालच लाड़ बन के इस धरती की मिट्टी को जला देना चाहता है। नहीं 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 नहीं, वो तो अपने बेटे के बारे में सोच रहा है। उसका बेटा शहर, उसकी बीवी गीता और उसका वो एक छटा जमीन। उसके बाद ही एक सुबह, उसके बाद ही एक धुआं लालच भरी एक सुबह, काली नंगी एक सुबह में श्याम की लाश धूल और मिट्टी से खेल रही थी। पूरे गांव को बताया गया कि जमीन के दंगों में श्याम मारा गया, लेकिन वो तो सच नहीं है। असल में तो कत्ता बाबू मतलब बड़े साहब लगातार लाड निकल रही है। नाउमीद जमी पे आज आजादी की 73 बरस पे दोनों हाथ जैसे पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा है। शैम की बीवी तब तक इस बूढ़ी को छोड़ के नहीं गई, पहनने को एक कपड़ा नहीं मिलता, फिर भी अब तक इस बूढ़े को खिला पिला रही है। मगर आज पूरा दिन बूढ़ा थाली में खाना छोड़ के कुछ तो सोच रहा था। अचानक से बोल उठा, गीता उस दिन कत्ता बाबू हमको बाजार में क्यों लेके गए थे? इस गांव में हमरी जैसी किसकी उम्र नहीं, इसीलिए। अच्छा, उस दिन हमको जो उठाने के लिए दिया वो बांस और रस्सी से बांधा हुआ, मैं रस्सी खींचते ही जो आसमान में सड़सर करके उठने के बाद फड़फड़ करके उड़ने लगा, वही आजादी है क्यारे गीता? गीता बोली, पिताजी वो लोग तो उसे झंडा बोलते हैं। अच्छा, झंडा बोलते हैं, फिर आजादी क्या है? रहने के लिए रहा क्यों सिर्फ बांस और रस्सी, वही फिर आजादी है क्या रे गीता? ढूंढ रहा है बूढ़ा, ढूंढ रहा है झाड़ियों से भरी जमीन। कुछ दिन पहले जहां पर आजादी की 73 बरस पालन किए गए थे, गांव के सबसे बुजुर्ग वहां पर पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा है। आसमान पहाड़ जमीन कूट कूट के वो ढूंढ रहा है आजादी का कठिन मतलब, इसकी लंबी चौड़ी जिंदगी का पसीना और लाड़ निकल के पहाड़ और आसमान में गूंज रही है उसकी चीख। हा जी, क्यों जी? वो जो आसमान में सरसर करके उठने के बाद फड़फड़ करके उड़ने लगा, वही आजादी है क्या जी? जवाब मिलता, जवाब मिलता। हाँ, उसका बेटा श्याम जिसका नाम, आज शायद वो होता तो इस सवाल का सही जवाब दे पाता। शायद आज इसीलिए आसमान और पहाड़ के बीच में से अभी तक गूंज रही है उसकी चीख, श्याम, श्याम रे। वो जो आसमान में सर सर करके उठने के बाद फड़ फड़ करके उड़ने लगा, वही आजादी है क्या रे श्याम? श्याम, श्याम रे, बोल के जा ना रे, आजादी क्या है? श्याम, श्याम रे, वो
भूल के जाना है, आजादी क्या है। शैम शैम रे, भूल के जाना रे, आजादी क्या है, आजादी क्या है। লেগে থাকা নোটের ভাঁজগুলো গান্ধীজি না হয় তোমাকেই দিলাম, কিন্তু বুকের পাঁজরটা নেতাজি তোমারই রইলো।